दोस्तों, कुंडली भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलता हुआ नजर आएगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर इंसल्ट तो हो जाती है लेकिन उसके बाद में पलकी बोलती हुई नजर आती है राजवंश से कि राजवंश क्या ये सत्य है जो यहाँ पर बोल रहा है। आखिरकार सौर्य, जी हाँ, सौर्य ने बोल दिया कि ये तो सड़क पे से किसी के फूल उठा के लाया है 10-20 रुपए के, और वो लाके तुम्हारे हाथ में थमा दिए हैं, जिसकी वजह से तुम्हारे हाथ में दिक्कत हो गई थी क्योंकि कुछ केमिकल्स थे और वो केमिकल्स किसी और ने नहीं बल्कि दोस्तों यहाँ पर सौर्य ने लगाया था उन गुलाबों में, ताकि वो किसी भी तरीका से इंसल्ट कर सके यहाँ पर राजवीर की। राजवीर को इतना गिराने के लिए इतना गिर सकता है सौर्य, वो किसी ने सोचा भी नहीं था। इधर दोस्तों करण एक बार फिर से बोलता हुआ नजर आएगा, डॉक्टर से मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि दोस्तों एक फैमिली डॉक्टर है जिसमें वो इस समय अपनी डीएनए टेस्ट चेक करवाता हुआ नजर आएगा राजवीर के साथ में, क्योंकि वो बोलता हुआ नजर आएगा कि डॉक्टर साहब मुझे कुछ आपके साथ में बातचीत करनी है, क्योंकि वो बातचीत वैसे ही नहीं बल्कि प्रीता और अपने बारे में कि मेरा और प्रीता का बेटा है राजवीर, और आप एक बार चेक करो। आप लोग जानते हैं कि डीएनए रिपोर्ट जो है वो मैच करती हुई नजर आने वाली है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर दूध का दूध और पानी का पानी होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि राजवीर चाहे कितनी भी छुपाने की कोशिश कर लेकिन दोस्तों वो छुपा ही नहीं पाएगा, क्योंकि कहते हैं जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, लेकिन दोस्तों अब जो होने जा रहा है वो और भी गणा दिलचस्प होता हुआ नजर आएगा। बात की जाए इस समय की, तो इस समय की एक और भी नई बड़ी अपडेट आप लोगों के बीच में देखने को मिलती हुई नजर आने वाली है, क्योंकि सभी लोग टेंशन से जी रहे हैं और टेंशन में थोड़ा घना माहौल नहीं है बल्कि टेंशन में घना ही बड़ा माहौल नजर आ रहा है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्द ही आप लोगों के लिए कहानी का एक और भी नया ट्विस्ट, नया लॉजिक सामने देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। कहते हैं जो होता है वो शायद अच्छे के लिए होता है, लेकिन दोस्तों अब जो